बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजल पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए। दोनों की मुश्किलें अब बढ़ सकती। दरअसल गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की। रेमो पर गाजियाबाद के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सत्येंद्र त्यागी ने बताया कि साल 2013 में रेमो डिसूजा ने अमर मस्ट डाई नाम की फिल्म बनाई थी। इसको बनाने के लिए रेमो ने उनसे 5 करोड़ रुपए लिए थे, जिसके बदले में रेमो ने उन्हें 1 साल में दोगुना पैसा लौटाने का वादा किया था। जब रेमो ने सत्येंद्र को पैसा वापस नहीं किया तो उन्होंने सिहानी गेट थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित सत्येंद्र त्यागी मोल्टा के रहने वाले। उनके वकील मोहनीश जयंत ने बताया कि कोरियोग्राफर रेमो और सत्येंद्र त्यागी दोनों में दोस्ती थी। रेमो कई बार उनके घर भी आए थे। इसी सिलसिले में रेमो ने सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पैसा लगाकर मोटी कमाई कराने का आश्वासन दिया था। रेमो के कहने पर सत्येंद्र त्यागी ने करीब 7 साल पहले 5 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन बाद में रेमो ने धोखाधड़ी करके रुपए देने से ही इनकार कर दिया था। रेमो डिसूजा की फिल्म अमर मस्ट डाई में राजीव खंडेलवाल और जरीन खान अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। अमर मस्ट डाई को परम गिल ने डायरेक्ट और रेमो डिसूजा ने प्रोड्यूस किया था। तब सत्येंद्र ने करोड़ों की ठगी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर ही सिहानी गेट थाने में रेमो डिसूजा के खिलाफ मुकदमा हुआ। अदालत से कई समन और वारंट जारी होने के बाद भी रेमो अदालत में हाजिर नहीं हुए। तब अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पिछले साल कोर्ट ने रेमो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। इसके बाद रेमो ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी थी। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या है राय, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।